लेक्चर में लिमिट, टाइप्स ऑफ लिमिट, फिट, टाइप्स ऑफ फिट, टॉलरेंस, टाइप्स ऑफ टॉलरेंस, केसेस, टाइप्स ऑफ केसेस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेज और इसके एप्लीकेशंस के बारे में जाने थे, और एक सेलेक्टिव असेंबली के बारे में भी डिस्कस किए थे। सो आज के इस लेक्चर में हम इंटरचेंजेबिलिटी क्या है, होल एंड शाफ्ट बेसिक सिस्टम क्या होता है और टेलर्स प्रिंसिपल गेजेस को बनाने के लिए क्या कहता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विथ इंटरचेंजेबिलिटी। तो इंटरचेंजेबिलिटी यह टर्म हमेशा जहां मास प्रोडक्शन होता है वहां यूज़ किया जाता है। इसके द्वारा हम किसी भी प्रोडक्ट की एक्यूरेसी और साइज़ को एक्यूरेट बनाते हैं, लेकिन हल्का स्मॉल यानी कि स्मॉल वेरिएशन भी होता है उस प्रोडक्ट में। सो इंटरचेंजेबिलिटी को हम कह सकते हैं कि जब हम एक ही टाइप के पार्ट्स को अधिक मात्रा में बनाते जाते हैं और वह सभी और उन सभी प्रोडक्ट्स का शेप और साइज एक समान हो और वह एक्यूरेट भी हो और वह आसानी से किसी दूसरी जगह में वहाँ जहाँ उसे फिट करना है वह आसानी से फिट कर जाएगा तो इस प्रॉपर्टी को हम इंटरचेंजेबिलिटी कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम सपोज़ कीजिए कि हमारे पास एक पेन है जिससे हम लिखने का काम करते हैं, उसकी रिफ़िल ख़त्म हो जाती है तो इसके ये कंपोनेंट हो गया रिफ़िल। तो जब वह रिफ़िल ख़त्म हो जाती है तो क्या करते हैं हम लोग, किसी शॉप पे जाते हैं, रिफ़िल वाले शॉप पे जाते हैं और रिफ़िल कप को परचेज करते हैं और क्या करते हैं पुराने रिफ़िल को निकाल कर फिर नए रिफ़िल को डालते हैं। तो हम देखते हैं क्या वो जो नए वाले रिफ़िल है वो सेम कंपोनेंट हमारा जो कि पेन है, पेन का बॉडी है, उसमें आसानी से फिट कर गया। तो ये क्या हुआ, मेरा इंटरचेंजेबिलिटी कहलाया। जैसे कि सपोज कीजिए और भी एग्जांपल्स है जो कि इस स्लाइड्स में दिए गए हैं, जैसे की का प्रोडक्शन करना, कपलिंग बनाना, पिन जॉइंट्स को बनाना, फास्टनर्स, स्क्रू, रिवेट एट्सेट्रा को बनाना, गियर्स का निर्माण करना, क्लचेस का निर्माण करना, टायर्स को बनाना, ये सभी आपको इंटरचेंजेबिलिटी के ही बेस्ट एग्जांपल्स हैं। अब हम इसके एडवांटेज के बारे में जानेंगे। तो एडवांटेज इसके बहुत हैं, जैसे कि असेंबली को आसानी से यह प्रक्रिया जो असेंबली प्रोसेस है उसको आसानी से ईजली बना दिया जाता है, बिना किसी भी मशीनिंग मेथड के पार्ट्स को आसानी से फिट कर दिया जाता है, प्रोडक्शन रेट को ज़्यादा इंक्रीज कर देता है, रिड्यूस कर देता है किसका, असेंबली कॉस्ट को रिड्यूस कर देता है, किसी भी पार्ट्स के रिप्लेसमेंट को आसानी से रिप्लेस कर देता है उस जगह पे, बिना इंटरचेंजेबिलिटी के मास प्रोडक्शन का होना संभव नहीं है। अब हम दूसरा टॉपिक जो है हमें पढ़ना है, होल और शाफ्ट। तो हो जैसा कि हमने बताया था पिछले लेक्चर में होल क्या है और शाफ्ट क्या है, तो यहाँ पे हमें पढ़ना है बेसिक सिस्टम यानी कि होल बेसिक सिस्टम और शाफ्ट बेसिक सिस्टम क्या है। तो होल बेसिक सिस्टम, जब हम होल के साइज को कांस्टेंट रखते हैं यानी कि जो हमारा होल है यानी कि एक सर्कुलर डेप्थ रीजन है उसको जब हम कांस्टेंट रखते हैं, और शाफ्ट जो कि एक लंबा है, लंबा सा सरिया होगा जो कि उसके शाफ्ट के साइज़ को हम बार बार चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द वर्किंग कंडीशन और फिटिंग कंडीशन। जैसे कि फिट का टाइप से जो तीन टाइप बताया था हम लोगों ने, उस तीनों टाइप्स में फिट को फिटिंग शाफ्ट को बैठाने के लिए जब हम फिट को बनाएंगे तो यह हमारा होल बेसिक सिस्टम कहलाएगा। इसमें बेसिक सिस्टम इसमें बेसिक साइज ऑफ होल जो है वो लोअर लिमिट के होल में रखा जाता है, इसे हम कैपिटल एच से डिनोट करते हैं। याद रखिए हमेशा होल बेसिक सिस्टम को हम लोग
कैपिटल एच से डिनोट करते हैं, और शाफ्ट बेसिस सिस्टम को हम लोग स्मॉल एच से डिनोट करते हैं। ये काफ़ी कंफ्यूजन होता है। हम लोग हमेशा ध्यान में रखें, होल बेसिस सिस्टम को हम लोग कैपिटल एच से डिनोट करते हैं और शाफ्ट बेसिस सिस्टम को हम लोग स्मॉल एच से डिनोट करते हैं। अब हमें स्लाइड के इस फिगर में बताया गया है, एक होल है जिसमें कि हम दिखा रहे हैं तीनों टाइप के फिट, किस टाइप से ये फिट करेंगे एक दूसरे, जो कि होल दिया गया है एक दूसरे में। होल बेसिक सिस्टम को बनाने के लिए हम लोगों स्टैंडर्ड साइन ऑफ का इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे कि ड्रिलिंग, रिमर्स, बोर्स इट्सेट्रा की। लेकिन शाफ्ट को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रोलिंग और कास्टिंग प्रोसेस को करते हैं, फिर हम लोग उसको फिनिशिंग प्रोसेस करते हैं। कब करते हैं, तब जब हम क्या करते हैं, जब हम कोई भी ग्राइंडिंग ऑपरेशन और टर्निंग ऑपरेशन करते हैं तब। इस स्लाइड में बेसिक होल मेकिंग सिस्टम को दिखाया गया है। अब हम लोग जानेंगे कि शाफ्ट बेसिक सिस्टम क्या है। तो शाफ्ट बेसिक सिस्टम, इस सिस्टम में जैसा कि मैंने बताया था पिछले पिछले में, होल बेसिक सिस्टम में होल को कांस्टेंट रखा जाता है, बट यहाँ शाफ्ट आ गया है तो शाफ्ट को शाफ्ट के साइज़ को हम लोग कांस्टेंट रखेंगे और होल के साइज़ को वेरिएशन करेंगे, यानी कि चेंज करते रहेंगे। तो हमारा जो सिस्टम होगा किसके लिए, जो कंप्लीट फिट फिट कर दे शाफ्ट और होल में, वो कंप्लीट फिटिंग हो जाए, तो ये मेरा शाफ्ट बेसिक सिस्टम कहलाएगा। यानी कि जब हम शाफ्ट साइज़ को कांस्टेंट रखते हैं और होल साइज़ को वेरिएशन करते हैं, चेंजअप करते हैं किस कंडीशन के लिए, तो प्रॉपर फिटिंग कंडीशन के लिए, तो ये मेरा सिस्टम जो होगा वो शाफ्ट बेसिस सिस्टम होगा। इस स्लाइड में मैंने शो किया है एक एक होल है जिसमें कि शाफ्ट को हर कंडीशन से फिट किया गया है। इसे हम स्मॉल एच से इंडिकेट करते हैं। यह लंबे शाफ्ट के साथ फुल लेंथ में होता है। अब हम लोग जानेंगे टेलर्स प्रिंसिपल के बारे में। तो सन 1905 ईस्वी में विलियम टेलर नामक वैज्ञानिक ने इसे गेजिंग ऑफ कंपोनेंट्स के डिज़ाइन के लिए सिद्धांत दिया था। यह हमेशा लिमिट गेज के डिज़ाइन को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जाने, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि नो गो और नॉट नॉट गो गेज क्या है। तो यह एक प्रकार का टाइप है गेज का। तो सबसे पहले गो का मतलब होता है जाना और नॉट गो का मतलब होता है ना जाना। तो टेलर्स प्रिंसिपल के द्वारा हम लोग को कहा गया कि गो गेज इज डिज़ाइन टू चेक द मैक्सिमम मेटल कंडीशन। यानी कि गो गेज का जो होगा डिज़ाइनिंग, जब मेरा मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन होगा तब इसके द्वारा हम फॉर्म, साइज, लोकेशन, पोजीशन एट्सेट्रा को चेक करते हैं। बट नो गेज का डिज़ाइन जो होगा वो जब मिनिमम मेटल कंडीशन रिक्वायर्ड होगा तब हम लोग नो गो गेज का इस्तेमाल करते हैं। यह एक समय में एक ही डायमेंशन को चेक करेगा। यह जो है नो गो गेज जो है, एक समय में एक ही डायमेंशन को चेक करेगा। इंस्पेक्शन के दौरान गो साइड गेज किसी भी होल में बिना फोर्स के नहीं जा सकता और नॉट गो साइज जो है वो आसानी से चला जाता है। अब टेलर्स प्रिंसिपल के अनुसार क्या है, तो यह कहला रहा है जैसा कि स्लाइड में मैंने स्टेटमेंट लिखा हूँ, इट स्टेट दैट गो गेज शुड चेक ऑल द रिलेटेड डायमेंशंस साइमल्टेनियस, नो गो गेजेज शुड चेक ओनली वन डायमेंशन एट ए टाइम। मतलब कि कहा जाए तो गो गेज जो है वो क्या करता है,
हमेशा चेक करता रहता है रिलेटिव डायमेंशन, कभी दूसरा डायमेंशन तो कभी दूसरा डायमेंशन तो कभी दूसरा डायमेंशन, बट नो गो गेज जो है वो सिर्फ एक समय में एक ही डायमेंशन को चेक करता है। जब हम गो गेज, और बताया जा रहा है कि मैक्सिमम मेटल कंडीशन, यानी कि कब हम मैक्सिमम मेटल कंडीशन लेते हैं, गो गेज बनाने के समय, और मिनिमम मेटल कंडीशन कब लेते हैं, तो हम लोग नो गो गेज बनाने के समय। जैसा कि इस स्लाइड के फिगर में बताया गया है, नो मैक्सिमम मेटल कंडीशन कब होगा और मिनिमम मेटल कंडीशन कब होगा। अब जब हम गो गेज का मैक्सिमम लिमिट कंडीशन में डेवलप करते हैं, तो हम हाई लिमिट ऑफ शाफ्ट एंड लो लिमिट ऑफ होल को रखते हैं। और जब हम, यानी कि हम गो गेज का डेवलप जब करेंगे, तो हमें हाई लिमिट ऑफ शाफ्ट रखना है और लो लिमिट ऑफ होल रखना है। सेम यही कंडीशन अपोजिट वाइस वर्सा हो जाएगी, जब हम मिनिमम मेटल कंडीशन यानी कि नॉट गो गेज का डेवलप करेंगे, तो हम लो लिमिट ऑफ शाफ्ट और हाई लिमिट ऑफ होल लेते हैं, जैसा कि स्लाइड के फिगर में बताया गया है। अब हम सिग्निफिकेंस ऑफ टेलर्स प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे। तो सिग्निफिकेंस ऑफ टेलर्स प्रिंसिपल क्या है, तो जो कि यस हमेशा सर्कुलर होल, सर्कुलर शाफ्ट और नॉन सर्कुलर होल्स और शाफ्ट के ये ही होता है। अब सर्कुलर होल्स के बारे में क्या कहा टेलर साहब, टेलर्स प्रिंसिपल के अनुसार, जब गो गेज में मैक्सिमम लेंथ होल के लेंथ के बराबर होगा और लेंथ ऑफ इंगेजमेंट पार्ट स्मॉलर होगा, तो नॉट गो गेज में एक पिन गेज होगा जिसके द्वारा हम अपर लिमिट ऑफ होल और लेंथ ऑफ होल और डाया ऑफ होल को चेक करेंगे, जैसा कि इस स्लाइड में बताया गया है कि यूज ऑफ नॉट गो गेज फॉर ए होल कंडीशन। अब हम सर्कुलर शाफ्ट के लिए देखेंगे कंडीशन क्या है। तो टेलर्स के अनुसार गो गेज एक रिंग गेज है जिसका कि मैक्सिमम लेंथ इक्वल होगा शाफ्ट के लेंथ और जो इंगेज्ड पार्ट से है और वो पार्ट स्मॉलर होगा, जैसा कि इस स्लाइड में बताया गया है कि यूज ऑफ नॉट गो गेज फॉर ए शाफ्ट क्या है। अब हम लोग नॉन सर्कुलर होल्स और शाफ्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके अनुसार टेलर्स ने बताया कि गो गेज का कंडीशन फुलफिल होगा जो कि मैक्सिमम मेटल कंडीशन के अनुसार कंडीशन पे डिपेंड करेगा और डायमेंशन कॉरस्पॉन्डिंग टू द मिनिमम मेटल कंडीशन ऑफ द पार्ट पर होगा, जैसा कि इस स्लाइड के फिगर में बताया गया है कि नॉट गो ऑन इन गेज फॉर लेंथ ऑफ द होल, यानी कि यह एक सर्कुलर पार्ट नहीं है। अब हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक और जो है वो गेज है। तो गेज में एक लिमिट गेज जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो लिमिट गेज एक मेजरिंग गेज नहीं होता है, बट यह सिर्फ एक स्टैंडर्ड इंस्पेक्शन गेज है जो कि इंस्पेक्शन में मेथड के स्टेबिलिटी को इस्तेमाल में लाया जाता है। यह हमेशा सिलिंड्रिकल होल्स के आइडेंटिफिकेशन कंपोनेंट्स को चेक करने में इस्तेमाल में लाया जाता है। यह हमेशा मास प्रोडक्शन में ही इस्तेमाल किया जाता है। इसके द्वारा डिज़ाइनिंग में एरर्स को दूर किया जाता है। यह प्रोसेस काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है। इस प्रोसेस का पर्पस मेन होता है जब कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स को चेक किया जाता है, तो डायमेंशंस उसके हमेशा चेंज अप करता रहता है, मतलब कि कंज्यूमिंग मोर टाइम्स, स्टिल वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द नोइंग द अमाउंट ऑफ एरर्स इन डायमेंशन, यानी कि एरर्स को पहचानने के लिए भी हम लोग लिमिट गेज का इस्तेमाल करते हैं।
अब इसके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हैं, तो थ्रेड गेज में है, फॉर्म गेज में है, स्क्रू पिच में है, रेडियस और फिलेट गेज में है, और फिलर गेज है। सो आज के लिए लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।